दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जियो के जितने भी रिचार्ज प्लान्स हैं, उन सभी प्लान्स में डाटा की कीमत अलग अलग है। किसी प्लान में आपसे 1 GB डाटा के लिए 6 रुपए लिए जाते हैं, तो किसी प्लान में आपसे 1 GB डाटा के लिए केवल 3.5 रुपए ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए जियो का कौन सा प्लान सबसे बेहतर होने वाला है और आपको जियो का कौन सा प्लान रिचार्ज करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अभी आपने अपने जियो सिम में कितने का रिचार्ज करवाया हुआ है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आज तक आप डाटा और वैलिडिटी को ध्यान में रखते हुए जियो सिम का रिचार्ज कर रहे थे, तो आज आपको समझ आ जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो के सबसे कम वैलिडिटी वाले प्लान से लेकर के जियो के सबसे ज्यादा वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान तक। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जियो के सबसे सस्ते अनलिमिटेड प्लान से। जियो का सबसे सस्ता अनलिमिटेड प्लान है 149 रुपए का। इस प्लान की वैलिडिटी पूरे 24 डेज की है। इस प्लान में आपको रोजाना 1 GB डाटा दिया जाता है। इस प्लान में आपको 300 IUC मिनट दिया जाता है और जियो टू जियो आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। साथ ही में आपको 100 SMS रोजाना दिया जाता है। अगर इस प्लान की बात करें तो इस प्लान में आपको 1 GB डाटा के लिए लगभग 6 रुपए देने पड़ते हैं। दोस्तों, जियो का जो अगला रिचार्ज प्लान है वो है 199 रुपए का। 199 रुपए के रिचार्ज में आपको 28 डेज की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में आपको 1.5 GB डाटा रोजाना दिया जाता है। इस प्लान में आपको 1000 IUC मिनट दिया जाता है और आपको 100 SMS रोजाना दिया जाता है। दोस्तों, अगर इस रिचार्ज प्लान की बात करें तो इस रिचार्ज प्लान में आपको 1 GB डाटा के लिए लगभग 4.73 रुपए देने पड़ते हैं। अब दोस्तों, जियो का जो अगला रिचार्ज प्लान है वो है 249 रुपए का। 249 रुपए के रिचार्ज में आपको रोजाना 2 GB डाटा दिया जाता है। इस प्लान की वैलिडिटी पूरे 28 डेज की है और इस प्लान में आपको 1000 IUC मिनट दिया जाता है और जियो टू जियो आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। साथ ही में आपको 100 SMS रोजाना दिया जाता है। अगर इस रिचार्ज प्लान की बात करें तो इस रिचार्ज प्लान में आपको 1 GB डाटा के लिए लगभग 4.44 रुपए देने पड़ते हैं। अब दोस्तों, जियो का जो अगला रिचार्ज प्लान है वो है 399 रुपए का। 399 रुपए के अनलिमिटेड प्लान में आपको 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। रोजाना आपको 1.5 GB डाटा दिया जाता है। इस प्लान में आपको 2000 IUC मिनट मिलता है और इस प्लान में आपको जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है। साथ ही में आपको 100 SMS रोजाना दिया जाता है। दोस्तों, अगर इस रिचार्ज प्लान की बात करें तो इस रिचार्ज प्लान में आपसे 1 GB डाटा के लिए लगभग 4.75 रुपए लिए जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं जियो के अगले अनलिमिटेड प्लान के बारे में। जियो का अगला अनलिमिटेड प्लान है 555 रुपए का, जिसमें कि आपको 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में आपको रोजाना 1.5 GB डाटा दिया जाता है। इस प्लान में आपको 3000 IUC मिनट दिया जाता है, जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग दिया जाता है और आपको 100 SMS रोजाना दिया जाता है। दोस्तों, इस प्लान की बात करें तो इस प्लान में आपको 1 GB डाटा के लिए लगभग 4.40 रुपए देने पड़ते हैं। दोस्तों, जियो के पास एक और अनलिमिटेड प्लान है जिसमें कि आपको 1 GB डाटा के लिए लगभग 3.5 रुपए देने पड़ते हैं। जियो का ये अगला प्लान है 599 रुपए का। दोस्तों, 599 रुपए के प्लान में आपको 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में आपको रोजाना 2 GB डाटा दिया जाता है। इस प्लान में आपको रोजाना 100 SMS दिया जाता है और आपको जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग दिया जाता है। दोस्तों, इस प्लान की बात करें तो इस प्लान में आपसे 1 GB डाटा के लिए लगभग 3.5 रुपए ही लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती है। जियो का एक रिचार्ज प्लान है 2,199 रुपए का।
इस प्लान में आपको 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, इस प्लान में आपको 12,000 आयुषी मिनट दिया जाता है, रोजाना आपको 2GB डाटा दिया जाता है, आपको 100 SMS रोजाना दिया जाता है और जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग दिया जाता है। और दोस्तों इस प्लान की बात करें तो इस प्लान में आपको 1GB डाटा के लिए लगभग ₹3.28 ही देने पड़ते हैं। तो देखा आपने, अगर आप रिचार्ज करते हैं ₹149 का तो आपको 1GB डाटा के लिए लगभग ₹6 देने पड़ते हैं, वहीं ₹599 वाले रिचार्ज प्लान में आपको 1GB डाटा के लिए लगभग ₹3.5 देने पड़ते हैं, जबकि ₹2399 वाले रिचार्ज प्लान में आपको 1GB डाटा के लिए लगभग ₹3.28 ही देने पड़ते हैं। तो अगर आप इस तरह से सोच समझ करके रिचार्ज करेंगे तो आप अपना बहुत ही ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।